हेलो बच्चों कैसे हो तो हमने इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी वहाँ उसमें हमने एन को यहाँ तक रेड कर लिया था इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसके बाद का डेवलपमेंट ऑफ पॉल ग्रेन वहाँ तक हम करेंगे यानी हम मेल पार्ट का जो है आज खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले लेकर आएंगे फीमेल पार्ट को ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से यहाँ लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप जैसे एंथर डेवलप होता है द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडर गोज मियोटिक डिविजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रॉड तो आपको पता है क्या एंथर के डि एंथर क्या करता है जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो हमने बताया था कि माइक्रोस्पोर इंजियम के अंदर जो टिशू होता है उस टिश्यू को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू और उस टिशू की जो सेल्स होती हैं वो बन जाती हैं माइक्रोस्फोर मदर सेल्स और उनमें क्या होता है मियोसिस होगी है ना तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट है वॉट वुड बी द प्लॉयडी ऑफ दिस सेल्स तो आपको पता है जब यहाँ मियोटिक डिवीज़न लिख दिया है कि उसमें मियोसिस होगी तो मियोटिक डिवीज़न के बाद जो प्लॉयडी होती है हमेशा वो हैप्लॉयड हो जाती है तो यहाँ वही होगा कि भाई हमारा जो स्पोर मदर सेल्स थी उनमें मियोसिस होगी और उसमें होने के बाद क्या बनेंगे स्पोर्ट्स बनेंगे और दे आर हेप्लॉयड नेक्स्ट देखते हैं ये डायग्राम आप देख लीजिए ध्यान से एक बार इसमें क्या है कि आपको पूरा एंथर दिखाया गया है इसके कुछ कटिंग यहाँ से दिखाई है जिसमें कि आपको माइक्रोस्फोरेंजम के अंदर के लेयर्स दिख रही हैं इसमें बस आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि आउटर ईपीडरमिस है उसके अंदर एंडोथीशियम है उसके अंदर मिडल लेयर्स हैं माइक्रोस्फोर मदर सेल्स हैं जिनकी प्लोइडी कैसी है डिप्लोइड है और सबसे अंदर की हो रहा है टेपेटम तो आपको बताया था टेपेटम कैसी है बाइ न्यूक्ट और पॉली न्यूक्ट तक हो सकती है इसके अंदर जो टिश्यू है ये स्पोर्डोजिनस टिश्यू है डिप्लोइड है डिवाइड करेगा म्यूसिस करेगा और स्पोर बनाएगा नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका जो एंथर है उसमें डाइशंस हो चुकी है एंथर जो है खुल चुका है जहाँ से एंथर खुलता है स्पोर को मैंने आपको बताया था कि स्पोर को कहते हैं स्टोमियम है ना तो स्टोमियम से मेरा जो एंथर होता है वो फट जाता है डाइशंस कट जाता है और यहाँ जो एंडोथीशियम की लेयर होती है वो बहुत पतली होती है उसके अंदर सेलुलोज के माइक्रोफाइबिल्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ से खुल जाएगा और ये जो पोलन सेक्स हैं इनके अंदर से जो आपके पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकल जाएंगे बाहर निकलने के बाद वो एयर्स में या फिर किसी एजेंसी के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फीमेल के स्टिग्मा के पास ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कि ईच सेल ऑफ़ द स्पोर्टी टिश्यूज कैपेबल ऑफ गिविंग राइस जो है माइक्रोस्कॉफ्ट टेटराट यानी जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी डिवाइड कर सकती हैं और उन्होंने टेटराड बना सकती हैं ठीक है उनमें से भी कुछ रह जाती हैं कुछ नहीं डिवाइड कर पाती जो बच जाती हैं वो नरिशमेंट के काम आ जाती हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं

एज द एंथर मेच्योर द डिहाइड्रेट तो आपको पता है जब एंथर आपका मैच्योर होता है डिहाइड्रेशन होता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इन टू पॉलरन ग्रेन्स तो ये थोड़ा यहाँ बात एन सी आर टी ने लिख दी है कि माइक्रोस्पोर डेवलप होगी क्या बनाते हैं पॉलर ग्रेन बनाते हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्फोर के अंदर जब डिविजन हो जाएंगे और जब वो अपने मेल गेमेंट बना लेगा तभी आप उसको अच्छे से मैच्योर पोलर पोलग्रेन बोलोगे मैच्योर पोल ग्रेन बोलना मतलब जब उसके अंदर मेल बन जाए तब बोलना शुरू से नहीं बोलना शुरू में वो माइक्रोस्फोर ही होता है तो इनसाइड ईच माइक्रोस्फोर इंजम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोसफोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड देखो यहाँ एक ये सवाल आ जाता है माइक्रोस्फोर और पोलन ग्रेन यहाँ लिखा है माइक्रोस्फोर और पोलन ग्रेन यानी और मतलब पोलन ग्रेन ही माइक्रोस्फोर है तो क्वेश्चन जो कि सेंस को समझना अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया और वहाँ पर आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई बताइए इनमें से मेल गेमिटोफाइट कौन है और उसमें ऑप्शन में हुआ कि माइक्रोस्फोर तो आप उसको लगा दें अगर वहां हुआ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर दोनों अलग अलग हुए तो आप उस टाइम पोलन ग्रेन को चूज करेंगे अगर आपसे पूछा मेल गेमिटोफाइट कौन है अगर दो ऑप्शन हुए दोनों में अलग अलग माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन दोनों हुए तो आप पोलन ग्रेन को चूज कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट है आर फॉर्म डेट आर रिलीज विद द ऑफ एंथर पोलन ग्रेन नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट हेडिंग है पोलन ग्रेन एंड द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमिटोफाइट जो पोलन ग्रेन होता है वही किसको को रिप्रेजेंट करता है देखो यहाँ लिख दिया इन्होंने कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट ऊपर लिख दिया है माइक्रोसफोर और पोलन ग्रेन तो यानी माइक्रोसफोर ही फिर क्या हुआ मेल गेमेटोफाइट हुआ लेकिन रियलिटी ये है कि वो नहीं होता है ठीक है क्वेश्चन कई बार आता है तो आप लगा दीजिएगा अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप पोलन ग्रेन को चूज करना नेक्स्ट है इफ़ यू टच द ओपेंट एंथर ऑफ द हिबिस्कस और एनी एंथ ऑदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो विश पाउडर पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर्स जो आप कई बार देखोगे कि एंथर के अंदर आप पॉल येलो कलर का पाउडर जैसा देखते हो तो बहुत सारे एंथर से अंदर से पॉलन ग्रेन निकले हुए होते हैं ठीक है स्प्रिंकल दीज ग्रेन ड्रॉप ऑफ वाटर ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के डिजाइन वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर एक बेहतरीन स्कल्पचरिंग डिजाइनिंग होती है ये सब जो देख रहे हैं आप आउटर लेयर एग्जाइन का कमाल है जो सबसे बाहर की लेयर एग्जाइन होती है उसमें डिजाइनिंग होती है उसमें भी सबसे आउटर जो होती है टेक्टम जो होती है उसका ये है उसमें डिजाइनिंग जो है टेक्टम और बैकुलम में मिलती है जो आउटर लेयर एग्जाइन के पार्ट होते हैं यहाँ एन में ऐसा नहीं दिया गया है तो अभी हम के लिए एन देख रहे हैं ये एक, है। एक डायग्राम आपको यहाँ पर जो मिल रहा है टेट्रा गा का मिल रहा है आइसोबाइलेट्रल का सॉरी आइसोबाइलेट्रल का मिल रहा है टेट्रा का नहीं है ही आपको मोनोकोट्स में देखने को मिलते हैं ठीक है ये भी ध्यान रखना एंड यू विल रियली बी अमेज एट दैराइटर आर्किटेक्चर साइज शेप कलर डिजाइन सीन ऑन द पोल ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पिस पोलन ग्रेन जेनरल स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट ट्वेंटी साइज यहाँ से पूछा जाता है आपसे कि कितना साइज होता है पच्चीस से पचास तक होता है डाईमीटर माइक्रोमीटर्स में होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे माइक्रोमीटर में होता है नेक्स्ट एट है जी प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड इज द एक्साइन इज मेड अप पोले नींद की बनी होती है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है ठीक है इसका इसकी खास बात है ये सवाल आता है कि भाई विद इट कैन विद स्टैंड विद टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ नहीं बिगाड़ सकते एल्कली सोल्यूशन कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो यहाँ सवाल आता है कि भाई आपके जो पोल ग्रेन होते हैं वो फोसिल की तरह क्यों बिहेव करते हैं तो आप बता देना कि भाई फोसिल की तरह इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि उनके बाहर क्या होते हैं स्पोरो होता है लिखा है कि नो दैट डिग्रेड सो नोन पोलन इन एग्जाइन हैज स्पोरेंट अपर्चर कॉल्ड जम पोर तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा कि जर्म पोर जो है वो किस लेयर में होता है तो आप उसको इंटाइन नहीं बताएंगे आप उसको बताएंगे एग्जाइन जर्म पोर एग्जाइन लेयर में मिलता है एग्जाइन में होता है ना कि इंटाइन में होता है क्योंकि एग्जाइन जहाँ नहीं होती है वहीं जम पोर होता है ठीक है जहां स्पोरपोलिन एबसेंट होता है एंड पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज हो बिकॉज ऑफ़ द प्रजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन ये आपको बता दिया गया है क्योंकि फॉसिल कि, किस वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है स्पोरोपोलिन होता है एंड द एगजाइन ए फैशनेटिंग एयर ऑफ पैटर्न डिजाइन इसमें होते हैं वट डू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड तो वट इज़ द जम्पोर तो आपको जम पोर का फंक्शन आपको बता ही दिया कि वहाँ से जो आपका पोलन ग्रेन है जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब बनाएगा तो वो जो जगह होती है अपर्चर जो होता है जहाँ से आपकी पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है उसी को बोलते हैं जाम पोर लिखा है कि बाई द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन अंदर वाली वॉल क्या होती है इंटाइन होती है तो आपको पता है कि भाई इंटाइन किसकी बनी होती है सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि इंटाइन आपकी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है द साइटो ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन टू सेल्स वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल तो जब ये मेच्योर होने वाला होगा तो होगा क्या क्या देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है यहाँ पर डायग्राम में हुआ है कि भाई इसके सेल का दो न्यूक्लियस हुआ न्यूक्लियस डिवाइड किया माइटोसिस हुई है ना माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ एक छोटा न्यूक्लियस बना एक बड़ा न्यूक्लियस बना ठीक है तो बड़ा न्यूक्लियस जो है वो आपका वेजिटेटिव सेल का है वेजिटेटिव सेल ही आपकी क्या है ट्यूब सेल है और जेनरेटिव सेल आपकी नीचे है जिससे मेल गमेंट बनने वाले हैं इन फ्यूचर में तो ये यह यहाँ से क्वेश्चन आता है इस डायग्राम के नीचे से कि भाई आप ये बताइए कि माइटे को लिखा है कि स्टेज ऑफ माइक्रोसफोर मैच्योरिंग इनटू पोलन पोलग्रेन अब ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा देखो यहाँ लिख दिया कि माइक्रोस्फोर जो है मेच्योर होके क्या बना रहा है पोलन ग्रेन पीछे लिख दिया है कि माइक्रोसफोर ही क्या है पोलन ग्रेन है तो आप यही ध्यान रखना कि माइक्रोसफोर मेच्योर होकर मेर पोलन ग्रेन बनाता है और जो पोलन ग्रेन होता है वही क्या होता है केमिटो फाइट होता है ये आप ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट है द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर तो यहाँ से आपसे कुछ डिफरेंस पूछा जाएगा कि भाई बताइए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव या जेनेटिव सेल में डिफरेंस क्या होता है तो आप बताना कि भाई ऐसा है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है वो फूड रिजर्व उसके अंदर ज़्यादा होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है जबकि जो दूसरे वाली होती है उसका जो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है छोटा होता है उसकी शेप जो होती है स्पिंडल शेप होती है डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसका नहीं था देखो उसमें फूड रिजर्व ज़्यादा होता है इसका कैसा होता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड एन एं न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस इसका रेगुलर शेप का होता है ओवल टाइप का होता है जबकि उसका बड़े वाली का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है इरेगुलर शेप का होता है तो कुछ डिफरेंस आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, है कि वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट टाइम ओवर सिक्सटी परसेंट ऑफ इंजुसफॉर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल स्टेज तो आपके साठ परसेंट जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है भाई पोलन ग्रेन आपके टू सेल स्टेज में निकल जाते हैं और वो टू सेल स्टेज पूछते हैं क्या है वेजिटेटिव और जेनरेटिव जब आपका पोलन ग्रेन इन दो सेल की स्टेज में होता है यानी इसके अंदर अभी मेल कैमिट नहीं बने हैं मेल गेमिट जब बनेंगे तो थ्री सेल हो जाएगा यानी जनरेटिव सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गेमिट्स तो उस समय आपसे पूछते हैं कि जब दो सेल में होता है तो कुछ साठ परसेंट प्लांट ऐसे करते हैं कि उनका एंथर फट जाता है और ये दो सेल की स्टेज में बाहर निकल जाके स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा फर्दर जो उसका डेवलपमेंट होता है ये वाला फिर जनरेटिव सेल इस मेल गेमेंट बनाएगी ये वाला इसका डेवलपमेंट वहीं पर जाकर होगा स्टिग्मा के ऊपर ही ठीक है तो यहाँ लिखा है कि इन मैनी स्पीसीज इन द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गेमिट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड तो कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले ही वो थ्री सेल्ड हो जाता है तो थ्री सेल्ड होगा तो आपसे पूछेंगे कौन कौन सी से सेल होती हैं तब आप बताएँगे कि उसके अंदर भाई दो तो मेल गेमिट होते हैं टू मेलगेमिट होते हैं और एक बड़ी ट्यूब सेल होती है समझ गए ना तो ये ध्यान रखना कि थ्री सेल्ड में टू मेल गेमिट वन ट्यूब सेल टू सेल में वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज को सीवियर एलर्जीज एंड ब्रॉन्कील एफिकेश्स इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक डिस्पाइटरी डिसऑर्डर्स तो ये पोलन ग्रेन्स कई बार क्या करते हैं एलर्जी कोज कर देते हैं एलर्जिक होते हैं तो आप खेत में जाएंगे तो आपको कई बार छींकना और बहुत आंखों से पानी आना इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि यहाँ लिखा है अस्थमा ब्रोंकाइटिस एक्सेट्राई बीमारियाँ हो जाती हैं नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जाता तो, तो आपका इसका आंसर होता है हे फीवर तो सवाल आता है हे फीवर इज़ ड्यू टू तो आप बता दीजिएगा हे फीवर इज ड्यू टू द पोलन एनर्जी नेक्स्ट है इट मे बी मैंशनड दैट पारथीनियम और कैरेट ग्रास तो ये जो है वीड है भाई ये इंडिया में भेज दिया गया था बाहर से ना तो अभी तो क्वारंटाइन कंट्रोल है तो कंट्रोल से आती हैं चीज़ें पहले ऐसे डायरेक्ट आ जाती थी तो उसके साथ आ गया था ये तो दैट केम मीन टू इंडिया एज कंटामिनेट विद इम्पोर्टिड वीट के साथ में भेजा गया था ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सारी इंडिया की एज यूबिक्यूटस है यानी कि एनअरेंस हर जगह मिलता है इन कोज पोलन एनर्जी ये एलर्जी कोज करता है ठीक है तो इसको लोग बाग आज क्या करते हैं दवाई ववाई छिड़क के हटा देते हैं खेत से नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिय इट हैज बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट तो पोलन टेबलेट आजकल क्योंकि एनर्जेटिक होती है सप्लीमेंट्स होते हैं तो सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं लोग इट वेस्टर्न कंट्रीज एंड लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट पोलन कंजप्शन हैज़ बिन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रिसोर्स तो ये सवाल आता है के रेसोर्सेज और एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या देते हैं तो आंसर होता है पोलन ग्रेन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ ये जो पैराग्राफ है आपको यहाँ पर मिलेगा भाई पोलन वायबिलिटी मिलेगा मतलब क्या कितनी देर तक जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो वायबल रहता है कब तक उसकी वायबिलिटी होती है तो ये क्वेश्चन यहाँ से मिलता है इसमें आपको मिलेगा कि लिखा हुआ कि भाई कुछ जगह तो ये क्या करते हैं जल्दी ही मतलब इनकी जो वायबिलिटी है ख़त्म हो जाती है तीस मिनट में कुछ जगह ये महीनों तक भी वायबल रहते हैं एक बार देखते हैं वैन वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोल ग्रेन रिटेन वायबिलिटी द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तो कई बार ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसी है एंड इन सम सीरियल्स से पूछते हैं अनाजों में सीरियल्स में और जैसे राइस और व्हीट में आपको ये मिलेगा कि इनकी वायबिलिटी लगभग 30 मिनट तक की होती है जबकि लेग्युमिनेसी फैमिली रोजेसी फैमिली सोलिनेसी फैमिली में महीनों तक की हो सकती है तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि भाई रोजेसी लेग्युमिनेसी सोलिनी में कितनी होती है और गेहूं में और राइस में इनमें कितनी होती है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से कर देंगे एंड दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ तो ये मंथ मतलब रोजेसी के लिए एंड यू मे हैवर अ स्ट्रॉन्ग सीम पम ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसामिनेशन एंड इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एस्पेक्ट स्पसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन तो यहाँ से पूछते हैं कि भाई क्या हम पॉलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं तो जब भी कभी माइनस वन नाइन्टी सिक्स लिक्विड नाइट्रोजन आए आपके सामने तो ध्यान रखना है इसका आंसर होता है क्रायो प्रिजर्वेशन यानी क्रायो प्रिजर्व मतलब माइनस वन नाइन्टी सिक्स पर ले जा करके सेव कर देते हैं सेव करना मतलब आगे इन फ्यूचर में अगर हमें पॉलन ग्रेन के चा, चाहिए होते हैं तो रिसर्च के लिए या किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए तो वहाँ से ले सकते हैं तो सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो चलते हैं उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं ठीक है बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट था तो इसके बाद हम फीमेल वाला पार्ट दोबारा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे थैंक यू